हाय, गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 5:30 बजे। और भाई गांव के लोग वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं। और भाई अब बना रही मैं चूल्हे पर खाना, तो भाई खाना भी इतने जल्दी बना रही हूँ कि भाई भैया जल्दी जाते हैं। तो भाई सबसे पहले भैया गए हैं नहा के, 5 बजे नहा लिए थे भैया और 5:30 बजे चले गए। उसके बाद नक्श के पापा आ गए, फिर नक्श के पापा 5:30 बजे नहा लिए, नंबर लगा रखा सुबह सुबह नहाने में। तो भाई भैया तो गए अपने ड्यूटी और नक्शे नहा लिए हैं दोनों भाई सुबह सुबह। और बच्चे उठ के गए अपने योगा एक्सरसाइज करने के लिए। और भाई सुबह सुबह जिस किसी को चूल्हे का खाना खाना हो, देख लो टाइम हो रहा है 5:30 ही, तो भाई आ जाओ खा लो। तो भाई टाइम हो रहा है अब सुबह के 6:45, और ये 5:30 बजे नहा लिए थे और पूजा कर रहे हैं। पूजा करके जाएंगे, जो कल हमारी जो है छोटी वाली भैंस की डिलीवरी हुई थी उसका दूध चढ़ाने के लिए देवता पे, और वहीं से ले आएंगे फिर अपने भैंस के लिए धान के पूले। तो भाई खाना वगैरह तो मैंने जो है बना दिया है, अब आ रही है इन, सबसे पहले दिन निकल आया है तो इन लाइट्स को बंद करने की। तो चलते हैं उठाते हैं पहले सबसे पहले यहाँ का सारा सामान। तो भाई यहाँ पे कर दिए बच्चों की तैयारी स्कूल भेजने की, इनके लंच वगैरह पैक सब कुछ कर दिया है। और ये देख लो आज फिर से जा रही सिविल ड्रेस में। आज क्या है स्कूल में प्रोग्राम? प्रोग्राम गरबा डांस। गरबा डांस तो भाई इनका है गरबा डांस। तो सारी जितने भी बच्चे हैं लड़कियों को सबको अलाउ कराए जींस विद कुर्ता, जींस एंड भाई ये देख लो, देख लो भाई कहाँ से नई नई खेल करते हैं सीखते हैं। तो भाई इसको गिफ्ट कर दिए सुबह सुबह चॉकलेट हंग नक्श दिखाइए। तो भाई इसका बर्थडे आने वाला है और इसकी दो जो है ये चौखट हिल रही है, एक और एक ये दो, दोनों एक साथ जाएंगे। तो भाई स्माइल मत करियो। तो भाई अब टाइम हो रहा है सुबह के 9, और यहाँ पर बच्चे गए स्कूल और स्कूल भेजने के बाद चले गए थे भाई हम सबसे पहले भाई भैंस को नहलाने के लिए जिसकी डिलीवरी हुई है। और गर्म पानी के लिए ड्राम भी वहीं पे गेंद में शिफ्ट कर दिया, और भाई वहाँ से नहला धुला के अब आए हैं। 1 से 1.5 घंटा लग गया वहाँ पर काम करने में, और घर में अब सारा काम फैला पड़ा है। और धूप देख लो हमारे घर में भाई, देख लो कहाँ से सीधी रसोई तक जा रही है, अब सर्दी सर्दी ऐसे ही रहेगी। तो भाई वहाँ से तो हम काम करके आ गए हैं और अब बारी है घर में काम ख़त्म करने की। और भाई बिल्कुल थके थके से हो रहे हैं आज, तो हम भी मन नहीं कर रहा भाई कि ऊपर की सफाई का नंबर लगाएं, पर करनी तो है ही, आज नहीं करेंगे तो 2 दिन के बाद करनी। और भाई हम घेर में काम ख़त्म करके आए, तब तक घर की जो कच्ची हल्दी है खेत वाली जो हमने जो है पानी में उबाल के सुखाई थी, ये मम्मी ने जो है अपनी घर की चक्की में ही इसका काम कर दिया। तो भाई ये पीस दी, अब होगी अपने घर की हल्दी तैयार। तो भाई अब टाइम हो गया है दोपहर के 11:30, और भाई फाइनली हम नहा धोके पूजा वूजा करके हो चुके हैं, अब हम फ्री। और चाय पानी अभी भाई हमने बनाया नहीं है, तो भाई अभी हम जा रहे किसी काम से बाहर और चाय पानी बनाएंगे हम आकर। और वो हम कहाँ जा रहे हैं तो भाई फ़िलहाल मैं आपको अभी बता नहीं रही हूँ, और ये आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी में हम लग रहे हैं। तो भाई फ़िलहाल चलते हैं और भाई आपसे मिलेंगे हम आकर, और तब बनाएंगे अपना चाय पानी। तो देखते भाई कितनी देर में वापस आते हैं हम। तो भाई अब टाइम हो रहा है 1:00 और अब आए हैं हम जिस काम के लिए गए हुए थे बाहर, और भाई चाय पानी हमने भी पी नहीं है। तो कह रही है दीदी कि अब चाय पानी का टाइम भी नहीं है, तो एक काम कर, जो कल घिया की सब्जी जो है आज सुबह बनाई थी तो उसमें से घिया ज़्यादा थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख ली थी। तो यहाँ पर बना रही है दीदी घिया के थोड़ी सी सब्जी, कह रही कि दहिया चाय के साथ खा लेंगे। तो भाई फ़िलहाल लगा रही दीदी तड़का सब्जी में, और तब तक कर रही हूँ मैं नक्श का वेट। और नक्श के कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया पहले, क्योंकि 1 बज गया नक्श का उड़ाने का टाइम। तो भाई चलते हैं उसको लेने के लिए। तो भाई अब हो गया है शाम का समय, और जो है बच्चे वगैरह का होमवर्क करा दिया था उनका, सब गए हुए हैं बाहर फिलहाल। और भाई थोड़ा सा काम दीदी के लिए भी बढ़ गया है और मेरे लिए भी, कि भाई अब तो घेर में काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि भाई छोटी वाली भैंस भी अब दूध दिया करेगी। तो फिलहाल तो अभी कल ही डिलीवरी हुई है, तो भाई अभी तो थोड़ा सा दूध निकाल रहे हैं और बाकी के उसके बच्चे को ही पिला रहे हैं। और ये बताना मैं आपको भूल गई थी, तो भाई हमारी जो है भैंस के ने दिया है भाई कटड़ा। और तो छाइंस कह रहे बाबा से कि बाबा नक्श का बर्थडे आने वाला है, तो ऐसे करेंगे कि भैंस का कुआ पूजन और नक्श का बर्थडे दोनों प्रोग्राम एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। और फिलहाल मैंने सारा सामान ला के रख दिया चूल्हे पर शाम के खाना बनाने की तैयारी के लिए,
और भाई जब तक फैमिली मेम्बर्स आते हैं बाहर से, तब तक जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे हाथ से उनको उठा कर रख देती हूँ। और टाइम लग जाएगा तो भाई प्रेस करूँगी अभी, नहीं तो फिर करूँगी सुबह। तो भाई लगते हैं इन कपड़ों की तय बनाने में। पार्टिसिपेट नंबर 1 और सेकंड मैं, जो आपको कभी दिखाई नहीं देती, और ये पार्टिसिपेट 3 करने 3 है भाई। तो देख लो कितने जने हम लग रहे हैं कैंडिडेट काम करने के लिए। चलती है भाई तैयारी साबुदा के खिचड़े की, साबुदा के खिचड़ी की। और यहाँ पर अपने लिए भाई बनाएंगे इसमें फ्राई बैन में कॉफी, और खाली रख दिया। और इसमें भाई अपने जो है व्रत के लिए आलू की तैयारी, सूखे आलू की सब्जी। लग रहे काम करने के लिए, तब जाके काम खत्म होगा। और ये सारी तैयारी चल रही है बस एक चीज के लिए, पापी पेट के लिए। तो भाई शादी के बाद अपने पति ते तो हर कोई इंसान प्यार करे, पर भाई हम उनमें तो नहीं है जो अपने पति ने प्यार करे, हम तो उनमें तो हैं जो अपने पति की नाक में दम करे। तो भाई जो असली मजा नाक में दम करने में आवे है ना, उसकी तो बात ही अलग हो है। जब मुंह फुलाने पे भी और मुंह फुलवा देवे, और हंसाने पे भी मुंह फुलवा देवे। तो भाई वो हैं हम, नाम है सहनसा। तो भाई आज खाने में बनाई थी मैंने कढ़ी, और कढ़ी में जो है पकौड़ी वगैरह कुछ नहीं डाल लिया, और टमाटर भी नहीं था, तो और प्याज लहसुन हम खा नहीं सकते, व्रत चल रहे हैं। तो मैंने इसमें डाल दी थी सोयाबीन, तो सोयाबीन डाल के मैंने बनाई है कढ़ी, और सबने खाना खा लिया है फिलहाल। और ये सूखे आलू की सब्जी जो कि हमने अपने व्रत के लिए बनाई थी, और साथ में साबुदाना वाली खिचड़ी। खिचड़ी तो कम, ये हलवा ज़्यादा लग रहा है। तो फिलहाल भाई खोलते अपना व्रत, खाते हैं खाना। हाँ सुना, तो लो भाई उसका काम और चेक कर लेते हैं। कराते हैं भाई इसका होमवर्क। और ये कितना बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है। तो भाई जो भी बनाया है व्रत में, फाइनली अब हो चुका है हमारे घर का काम खत्म। और भाई खोलते हैं अब हम भी अपना व्रत और करते हैं रेस्ट, क्योंकि सारे दिन की भाग दौड़ से भाई हम भी थक जाते हैं। और कहते हैं ना कि भाई अनाज में भी एक तरह का नशा सा होता है, मतलब कि नींद अच्छी आती है, वैसे नशे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो भाई अब एनर्जी भी इतनी नहीं रहती है, क्योंकि पूरे नवरात्रे हो गए, और इस बार तो एक नवरात्रा बड़ा हो रहा है। तो भाई खाते हैं खाना, और फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।